पाकिस्तान में हो रहे तड़ातड़ हमलों के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है, जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान में भी हड़कंप मच गया है। तो वहीं बात करें पाकिस्तान के आसपास देश अफगानिस्तान ईरान जैसे देशों में भी कानाफूसी शुरू हो चुकी है। दरअसल बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान पर एक के बाद एक तालिबानी लोग गोली बरसा रहे हैं, हमले कर रहे हैं और साथ ही साथ मानव बम भी फोड़ रहे हैं, ऐसे में तालिबानियों से छुटकारा पाना पाकिस्तान के लिए लगभग दूरफ काम दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कई मीटिंग कर रहे हैं, उनके विदेश मंत्री भी कई तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ निकल नहीं रहा। TPP पूरे के पूरे पाकिस्तान को हाईजेक करके रखा हुआ है। बता दें आपको कि इन सभी चीज़ों के बीच पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर पाकिस्तान ने क्या कहा, आइए जानते हैं। दरअसल पाकिस्तान के जो इस समय सेना प्रमुख मुनीर हैं, उन्होंने एक दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि दरअसल पाकिस्तान में जो TPP है वो रॉ के एजेंट हैं, मतलब कि भारत का जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान रॉ है उसने पाकिस्तान में TPP जैसे आतंकवादी समूह को बनाया है और वही हमले करवा रहा है। यही नहीं, मुनीर ने जिस तरीके से सीमा का दौरा किया और जिस तरीके से भारत के ऊपर एक के बाद यह आरोप लगाया, इससे तो साफ हो चुका है कि पाकिस्तान अपने ISI के पीछे जो कांड करता है वही भारत के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। इन सभी चीज़ों के बाद TPP का जो जवाब आया वह बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला आया। TPP ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान अपनी तरह हमें ना समझे, और यही नहीं TPP ने कई हमले भी किए और उस हमले के बाद TPP ने ऐलान किया कि पाकिस्तान भारत से आज तक कश्मीर का एक इंच जगह नहीं ले पाई है और वो चली है हमें एजेंट बताने। इन सभी के बाद पाकिस्तान अब अफगानिस्तान से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान सीधे तौर पर कह रहा है कि भारत के रॉ ने हम पर हमला कर दिया है, भारत के रॉ ने एजेंट बनाकर हमारे देश में हमला करना शुरू कर दिया है, और इन सभी हमलों से निपटने के लिए वह अफगानिस्तान देशों का सहारा मांग रहा है।